السلام عليكم ورحمة الله العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं और उसके बाद दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हम तक ये दीन इस्लाम ये दीन मुबीन हम तक पहुँचाया। हमदोसना और दुरूद व सलाम के बाद एक बार फिर हम सब इस तफसीर के दर्स में एक साथ जमा हुए। आज के दर्स में हमारे पास जो सूरत है जिसका तर्जमा हम पहले करेंगे और उसके बाद उसकी तफसीर जो आपकी मतलूबा किताब मुकर्रर की गई है अहसनुल अकेडमी की तरफ से और उसके बाद मजीद जो उसकी तौज़ीह व तशरीह होगी इंशाअल्लाह हम वो बयान करने की कोशिश करेंगे। आज की जो सूरत हमारे पास है वह है सूरतुद्दुहा। सूरतुद्दुहा के बारे में सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सूरतुद्दुहा जो है ये भी मक्की सूरा है और इसमें कुल आयात 11 है। सूरह दुहा के मक्की होने पर मक्की सूरा होने पर अब्दुल्ला बिन अब्बास भी गवाह है, हसन बसरी भी गवाह है, कतादा बिन दियामा भी गवाह है, मोहम्मद बिन मुस्लिम अल-दुहरी भी गवाह है, अली बिन अबी तरहा भी गवाह है, मकातिल बिन सुलेमान भी गवाह है। ये सारे हमारे असलाफ जितने भी मुफसरीन गुजरे हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि सूरह दुहा जो है इसमें इत्तेफाक है कि ये मक्की सूरत है और इस सूरा में जो है 11 आयतें जैसे कि आपके सामने शाशे पे वादिया हो रहा है कि सूरह दुहा में 11 आयतें हैं। चलिए हम इस सूरा को शुरू करने के लिए सबसे पहले जिस चीज से रब्बी कायनात ने भी इस सूरा को शुरू किया वो हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमेशा जब भी इंसान कुरान को शुरू करे जैसे कि हम ये सूरा पढ़ रहे हैं या आप मुसलसल कोई कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो आपको बीच में अब सूरत खत्म हो गई उसके बाद नई सूरत शुरू होगी तो वहां पे पहले बिस्मिल्लाह होगा उसको पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो सबसे पहले जब आप कुरान पढ़ने का आगाज करेंगे उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें यही इरशाद है यही रहबरी है कि उस वक्त इंसान को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना काफी होगा। उस वक्त हम पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा साहिब किताब लिखते हैं, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले रब्बी कायनात पहली आयत में फरमाते हैं वद्दुहा के माना क्या है? कसम है चाश्त के वक्त की। चाश्त के वक्त की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे हमें जाहिर कर रहे हैं कि रब्बी कायनात ने चाश्त की कसम खाई। वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब छा जाए, और कसम है रात की जब वो छा जाए जब वो सनसान हो जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, न तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है। मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। यहाँ पर मुखातब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा क़ला, और न वो बेजार हो गया है यानी न वो आपसे बेजार हो गया है। यानी जब हम इसका तर्जमा देखते हैं वमा कला बेजार के माने में भी इस्तेमाल होता है, नाराजगी के माने में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे रब कायनात ने पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा है ना आपसे वो नाराज है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। यानी आपके लिए आखिरी दौर इब्तदाई दौर से यकीनन बेहतर होगा। وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, तुझे तेरा रब बुलंद, तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा।
वलसौफा अन करीब तुम्हें देगा, युती का आपको अदा करेगा रब्बु का तुम्हारा रब इनामात, फतरदा ओ तो राजी व खुश हो जाएगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे रब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला यानी मैं तुझे बहुत सारे इनामात जल्द दूंगा और तू बहुत खुश होगा और आप बहुत खुश होंगे, आपको मैं जल्दी ही बहुत सारी चीजें अदा करूंगा। ये पांच आयतें हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इसी किताब से इनकी तफसीर देखते हैं। वद्दुहा, सबसे पहले यहाँ पे साहबी किताब ने भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मरतबा, तो यहाँ पे साहबी किताब ने मुफस्सिर ने इसका शान नुज़ूल पहले बयान किया है, इसका शान नुज़ूल पहले बयान किया है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, यानी ये सूरत नाजिल क्यों हुई, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, दो तीन रातें आपने क़याम नहीं किया। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम होता है कि तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है, दो तीन रातों से मैं देख रही हूँ कि वो तेरे करीब नहीं आया, जिस पर अल्लाह ने ये सूरत नाजल फरमाई। ये शान नजूल जो है ये सही बुखारी में तफसीर सूरत दुहा में, और ये जो औरत थी जिसने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब शैतान नहीं जा रहा है, तो ये औरत जो है ये अबू लहब की बीवी थी, और बाज ने कहा ये अबू सुफियान यानी औरा बिन हरब इसका नाम है, ये वही थी, फतुल बारी में इसका जिक्र है। तो वद्दुहा चाश्त, यहाँ पे देख लें नंबर दो में चाश्त, बुहन उस वक्त को कहते हैं जब सूरज बुलंद होता है, यहाँ मुराद पूरा दिन, जब सूरज बुलंद होता है तो उस वक्त की कसम रब कायनात यहाँ पे जिक्र किया। वद्दुहा अक्सर लोग या अक्सर यहाँ पे जितने भी लोग बयान करने वाले हैं वो यही बयान करते हैं कि यहाँ पे वद्दुहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की कसम रब कायनात यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वद्दुहा यहाँ पे जो है सूरज बुलंद होने चाश्ती के वक्त की कसम यहाँ पे रब कायनात हमें समझा रहे हैं। والليل اذا سجى, والليل اذا سجى, तो यहाँ पर والليل سجى के माना सकन है, जब साकिन हो जाए यानी जब अंधेरा मुकम्मल छा जाए, क्योंकि उस वक्त हर चीज साकिन हो जाती है। तो सजा के बारे में सबसे पहले आप लोग इसका लुगवी मफहूम देख लीजिए, सजा यानी रात का सनसान और खामोश होना, सजा के माने रात का सनसान और खामोश होना। इस लफ्ज में दूसरी चीजों को छुपा लेने का भी तसव्वुर पाया जाता है, चाहे वो तसव्वुर जाहिरी हो, जैसे हम कहेंगे सजल मैयत, अगर हम जुमला बनाएंगे सजल मैयत, इसका माना यह है कि मैयत पर चादर डालकर इसे छुपा दिया गया, तो यहां पर भी सजा का इस्तेमाल हुआ, सजा का इस्तेमाल होता है। और मानवीय तौर पर भी जैसे सज्जा माइब अखी का यानी अपने भाई के ऐबों को छुपाओ, तो यहां पर सजा जो है इसका मफहूम यहाँ पे सनसान रात यानी खामोश रात। तो गोया इस लफ्ज में पुरसुकून होने और छुपाने के दोनों माने पाए जाते हैं, यानी रात का इतना हिस्सा गुजर चुका हो कि सब लोग सो चुके हों और तारीकी भी पूरी तरह छा चुकी हूं। तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने चाश्ती के वक्त की कसम खाई जब सूरत बुलंद हो चुका हो और लोग अपने अपने काम काज में मशगूल होते जाते हैं, और ये वक्त उसके बिल्कुल बरअक्स और मुतजाद है, और इन दोनों मुतजाद हालतों की कसम खाकर फरमाया कि आपके परवरदिगार ने आपको नहीं छोड़ा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, जैसा कि काफिर लोग यही समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने छोड़ दिया, तो काफिरों की तर्दीद के लिए यहाँ पे रब्बे कायनात फरमाते हैं मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। उसके बाद रब कायनात फरमाते हैं वलल आखिरतु, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, आपके लिए आखिरी दौर इब्तदाई दौर से यकीनन बेहतर है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम शान खुशखबरी दी, और उस वक्त दी जब उसके पूरा होने के आसार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते थे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारे मक्का की ईजा रसानी और जुल्म जवर से न घबराए, क्योंकि काफिर लोग यही समझते हैं कि काफिर लोग यही समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे रब्बे कायनात फरमाते वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला,
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर आने वाला दौर अपने पहले दौर से बेहतर होगा। अगर हम बालफाजी दीगर ये कहें कि रफ्ता रफ्ता आपकी इज्जत व शरफ में लगातार तरक्की होती रही, फिर ये वादा सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक ही महदूद नहीं है बल्कि आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुलंद मकाम अता होगा कायनात में वो किसी दूसरे को अता नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल उला। उसके बाद रब फरमाते हैं वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तो यहां पर साहिब तफसीर ने लिखा है इससे दुनिया की फतूहात और आखिरत का अजर सवाब मुराद है। इसमें वो हक शिफात भी दाखिल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए मिलेगा। तो जब हम इसकी तफसीर देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से इनामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुछ दिया था इस बात का अहाता हम नहीं कर सकते। यानी कितना हम यहाँ पे इस क्लास में जिक्र करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितना अता किया, बल्कि हम तो ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो कौन सी इज्जत व शरफ की बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे किराम की ऐसी जमात अता की जिनमें से एक एक फर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान तक फिदा करने पर फख्र महसूस करता था। ये तो नियामत है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तो इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुसलमानों का गैर मशरूत मुता बनाया, इनका मुअल्लिम और मुज़क्की बनाया, अपनी किताब का मुफस्सिर बनाया, पूरे अरब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से कुफर व शर्क का मुकम्मल तौर पर इस्तेसाल हो गया, पूरे जजीरे अरब में इस्लाम का गलबा हो गया। ये तो सारे इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तो यहाँ पर जब हम इसकी तफसीर और देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद आपकी ये तहरीक पूरी दुनिया पे छा गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलील अरसा में ऐसा तमद्दुनी अखलाकी माशी माशरती और सियासी इनकलाब बपा किया जिसकी नजीर पूरी दुनिया की तारीख ढूंढने से कहीं नहीं मिलती। ये सब कुछ क्या था? ये अल्लाह की रहमत और अता थी जिसके मुतल्लक अल्लाह ताला ने फरमाया हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना कुछ अता करेंगे वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर देख लीजिए आप अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी? तो इसकी तफसीर हम देखते हैं यहाँ पर, यानी बाप के सहारे से भी तू महरूम था, हमने तेरी दस्तगीरी और चारा साजी की। यतीम होने पर आपको बेहतरीन सरपरस्त मिलते रहे, आपकी पैदाइश से दो माह बेशतर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया था। ये इस सूरा में अगर आपसे भी तलबा और तालिबात इस सूरे की तफसीर को मुकम्मल पढ़ेंगे, क्योंकि आधे घंटे में 25 मिनट्स में इसकी तफसीर मुकम्मल करना, ये तो समझ लीजिए आप लोग की ये समंदर को कूजे में बंद करना है। तो इस लिहाज से पूरी सीरत अगर आप ढूंढना चाहेंगे वो इस सूरत में मिलेगी, सूरत दुहा में। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके सरपरस्ती का जिम्मा आपके दादा अब्दुल मुतलिब ने लिया जो अपनी सुलभी औलाद से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शफकत और प्यार करते थे। अभी 6 ही साल के थे कि वालिदा माजिदा का भी इंतकाल कर गई, आमिना ने भी इंतकाल किया और आप दोनों तरफ से यतीम हो गए। 8 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान दादा अब्दुल मुतलिब की भी वफात हो गई। अब आपकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी आपके एक छोटे चचा अबू तालिब ने संभाली जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली और आपकी बरादरी के लोग भी आपके दुश्मन हो गए तो अबू तालिब ने इस्लाम न लाने के बावजूद हर तंग दस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, बरादरी की दुश्मनी और अदावत का सारा बार अपने सर मोल लिया और हर तरह के खतरात से बेनियाज होकर नबुवत के आगाज से 10 साल बाद तक अपनी सरपरस्ती और हिफाजत की जिम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से निभा। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इतना मोहब्बत करते थे कि हर कोई चीज वो संभालते रहे। तो 10 नबवी में ये सहारा भी खत्म हो गया, यानी अबू तालिब की वफात हो गई। इसके थोड़ी ही मुद्दत बाद अल्लाह ताला ने अंसारी मदीना औस और खजर को, जैसे कि तारीख में जिक्र है, मुझे यहाँ पे तारीख को दोहराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रब्बे कायनात फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा,
क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या सहारा नहीं दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से कुफर और शिर्क से बेजार थे, झूठ बद्दयानती अखलाकी रजीला से आपको तबअन नफरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मालिक व खालिक हकीकी को ठीक तरह पहचानते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह समझ नहीं आ रही थी कि गुमराही में पड़े हुए मुआशरे की इस्लाह कैसे मुमकिन है। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इस्लाह की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो इस मुआशरे को सुधारने के लिए तो सबसे पहला जो काम किया है वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तारीख से मालूम होता है कि जाहिलियत के इस तारीखी दौर में छह पांच छह आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ख्याल हम नवा थे, जिनमें सरफरिस्त सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला का नाम आता है। ये लोग भी शिरक और दूसरी माशर की बुराई से सख्त मुतनफिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में सबसे ज्यादा मुतफक्किर रहते थे कि आप तन तनहा पहाड़ों की गारों में चले जाते, जैसे कि गार हिरा में थे, वहां जाकर मालिक हकीकी से लव लगाते और सोचते रहते कि वो कौन सा तरीकेकार इख्तियार किया जा सकता है जिससे मखलूक के खुदा को कुफर व शिर्क की गुमराहियों से बचा जा सकता है। चनाच आप इसी गर्ज से गार हिरा में मुकिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार जिब्रील अमीन का नुजूल हुआ, इस तरह अल्लाह ताला ने आपकी इस देरीना तड़प को पूरा करने की राह हमवार कर दी, जो एक अरसा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में मौजूदन थी। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने इन उस एहसान और नियामत का जिक्र फरमाया है कि इस आयत में दालन दालन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजद का दालन फहदा, और दालन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, और दल्ला का अरबी लफ्ज, अरबी दल्ला का लफ्ज जो है अरबी जबान में मंदरजा जैल जो है, मैं आपको बताऊंगा मतलब जो आने वाली चीजें हैं वो दल्ला के मानों में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे रब कायनात फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजद का दालन फहदा, और तुझे राह बोला पाकर हिदायत नहीं दी। यहाँ पर रब कायनात फरमाते हैं वह वजह का बालन फादा, और तुझे राह बोला पाकर हिदायत नहीं दी, यानी तुझे रास्ता नहीं दिखाया। जब आप नंबर दो में इसकी तफसीर देखते हैं तो नंबर दो में यानी तुझे दीन शरीयत और ईमान का पता नहीं था, हमने तुझे राह याब किया नबुवत से नवाजा, राह याब यानी रास्ता दिखाया नबुवत से नवाजा और किताब नाजिल की, वरना इससे कबल तो हिदायत के लिए सरगर्दा थे। तो यहां पर भी जब हम देखते हैं इस आयत के तफसीर में दल्ला का मफहूम क्या है, दल्ला का बुनियादी माना, दल्ला का बुनियादी माना जो है वो ये है कि रास्ता खो देना, गुम कर देना। मसलन एक शख्स किसी ऐसे मुकाम तक जा पहुंचता है जहां आगे या तो कोई रास्ते ऐसे हो जाते हैं, तो कई रास्ते ऐसे हो जाते हैं कि किसी एक रास्ते का भी निशान गुम हो जाता है, तो वहां ये सोचने लगता है कि अब क्या करें। अगर आप किसी जगह पहुंचते हैं कि वहां पे दो चार रास्ते निकलते हैं, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किस रास्ते से निकलना है। तो वही ये लफ्ज अगर हम ये कहेंगे कि वल्ला, यहाँ पे इंसान जो है भटक जाता है कि किस रास्ते से इंसान को गुजरना है। तो इन मानों में वह वजह का बादन फहदा, तो यहाँ पे रब कायनात ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता भी दिखाया। उसके बाद वजदका आइलन फअग्ना, और तुझे नादार पाकर तवंगर नहीं बना दिया, आपको मुफलिस पाया तो मालदार कर दिया। तो यहां पर जब हम इसकी तफसीर देखते हैं कि तवंगर का मतलब है कि अपने सिवा तुझको हर एक से बेनियाज कर दिया, बस तू फकर में साबिर और गिना में शाकिर रहा। और ऐसा तरीका हमें भी होना चाहिए कि अगर इंसान को अल्लाह ताला ने फकीरी दी है तो इंसान को साबिर रहना चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ज्यादा माल अदा किया तो इंसान को शाकिर भी रहना चाहिए। जैसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तवंगरी यानी मालदारी साजो सामान की कसरत का नाम नहीं है, असल तवंगरी असल मालदारी दिल की मालदारी, असल मालदारी जो है वो दिल की मालदारी है। सही मुस्लिम किताबु ज़कात में है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया वजदका आइलन फअग्ना, कि आपको मुफलिस पाया और तुझे मालदार बना दिया। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का फिर से अगर आप तारीख देखेंगे तो फिर से बचपन का तस्करा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद थे, उसकी मीरास में सिर्फ एक ऊँटनी और एक लोंडी छोड़ी थी। आपकी रजात का मसला सामने आया तो सब दाइयों ने आपकी रजात से इस बिना पर इनकार कर दिया कि आप यतीम हैं, वालिद मौजूद नहीं, घराना भी इतना मालदार नहीं, तो यहाँ से क्या मिलेगा। आखिर ये सआदत हलीमा सादिया के हाथ आई, जैसा कि आप सभी ने तारीख में पढ़ा होगा, हलीमा सादिया के हाथ में आई, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजात को इसलिए कबूल कर लिया कि किसी अमीर घराने का बच्चा इन्हें मिला ही नहीं था,
तो उन्होंने ये समझकर जात कबूल कर ली कि कुछ होना बहरहाल न होने से बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग जिसको हम बोलते हैं। 8 साल की उम्र को पहुंचे तो उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब फौत हो गए, आपके चचा भी इंतकाल कर गए, उसकी कफालत में भी आ गए थे, खुद आयालदार और मुफलिस थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजदका आइलन, हमने आपको मुफलिस पाया लेकिन हमने आपको मालदार किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की हुस्न मामलत पर हम जब बात करेंगे, उसकी सदाकत, अमानत, दयानत का इतना चर्चा हुआ कि इस पर मक्का की एक बेवा और मालदार खातून ने आपको मुदार की बिना पर अच्छी खासी रकम दे दी। वापस आए तो सईद खदीजा के गुलाम जैद बिन हारिसा ने, जो शेरी के सफर थे, आपकी अमानत दयानत की इंतहाई तारीफ की, जिसे मुतासर होकर सईद खदीजा रजी अल्लाह तआला ने खुद निकाह की पेशकश की। वो तो मालदार खातून थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वसाइल बेचकर मालदार बना दिया। उसके बाद रब फरमाते हैं फअम्मल यतीम फला तकहर, बस यतीम पर तू भी सख्ती न किया कर। यानी अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले खुद यतीम थे, फअम्मल यतीम फला तकहर, बस यतीम पर तू भी सख्ती न किया कर। नंबर चार में देख लीजिए, नंबर चार में जब हम देखते हैं बल्कि उसके साथ नरमी व एहसान का मामला करो। यहाँ तक यतीम की कफालत, यानी जिस तरह हमने तुम्हारी यतीमी के दौरान हर मरहला पर तुम्हारा ख्याल रखा, इसी तरह तुम भी यतीमों से बेहतरीन सुलूक करो। यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तालीम अब दे रहे हैं कि आप खुद यतीम थे, अब जब आप यतीम देखोगे तो उनके साथ भी आपको हुस्न मामला भी कर लेना चाहिए। इन्हें दबाव न करना चाहिए, उन पर सख्ती मत किया करो, उन्हें बेयार मददगार न छोड़ो, बल्कि उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा करो। चुनाची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुसलमानों को भी यतीमों की कफालत और उसे हुस्न सुलूक की तरकीब देते हुए फरमाया कि मैं और यतीम, आना व काफिलुल यतीमी कहातैन, मैं और यतीम का कफिर जन्नत में इस तरह कटे होंगे। फिर आपने अपनी शहादत की और वस्ती उंगली की तरफ इशारा किया। ये एक बुखारी किताबुल अदब में है। उसके बाद रब फरमाते हैं वा अमसाइला फला तन्ह, और ना सवाल करने वाले को डांट डपट, सवाल करने वाले को यानी जो अल्लाह की राह के लिए, साइल का माना कोई चीज मांगने वाला भी है, साइल का माना जो है कोई चीज मांगने वाला, कोई बात पूछने वाला, उसको भी हम साइल कहते हैं, क्योंकि ये साला से निकला है, साला फेल माजी है, तो इसी से इसमें फाइल जब हम बनाएंगे तो साइल बन जाता है। तो पहला माने के लिहाज से ये मतलब है कि अगर तुमसे कोई चीज मांगने वाला आए तो इससे कुछ ना कुछ जरूर दे दो। जैसे कि आजकल हमारे पास यहाँ आते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ जरूर दे देना चाहिए। नरमी से माजरत कर दो, कुछ ना हो तो नरमी से इंसान को माजरत करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे जो मांगने वाले होते हैं वो कभी मांगते हैं तो यहाँ से देने वाला इतनी ज्यादा सख्त लहजे में बात करता है, तो ऐसा ये जो है तकबराना अंदाज ऐसा नहीं कर लेना चाहिए। यानी इसे सख्ती और तकबर न कर, न दर्दश्त और तलख लहजा इख्तियार कर, बल्कि जो अब भी देना हो, जो आप देना हो तो प्यार और मोहब्बत से दे दो। इसमें इंसान को सख्ती करने की क्या जरूरत कि नहीं कि आप लोग दफा जाओ, आप लोग ये हो, आप लोग हो, आप लोगों को देना है तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं देना तो नरम लहजे में आप उनको कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो साइल को झिड़क देना, वह मसाइल फलाता ना, साइल को झिड़क देना यानी बेइज्जती करना, ये जायज नहीं है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई साइल आता या कोई शख्स अपनी हाजत बयान करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं कि तुम भी सिफारिश करो, तुम्हें अजर मिलेगा और अल्लाह ताला अपने पैगंबर की जुबान से जो चाहेगा हुक्म देगा। सही बुखारी किताब ज़कात में है। इसी तरीके से एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी आदमी की खबर न दूं जो सबसे बदतर है, जो सबसे बदतर है। सहाबा ने अर्ज किया हाँ बताइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो शख्स जिससे अल्लाह के नाम पर मांगा जाए और वह कुछ न दे। सुनन नसाई की हदीस है, किताब ज़कात में मौजूद। तो इंसान को जब भी साइल आ जाए तो उनको देना चाहिए। अगर आप लोगों को, आप सभी तलबा हैं, आप सभी तालिबात हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने नियामतें दी हैं तो उन नियामतों को इंसान को खर्च कर लेना चाहिए, अल्लाह की राह में देना चाहिए, साइलों को दे देना चाहिए, इसमें कोई वो कबाहत नहीं है। अलबत्ता आदि साइल जो होते हैं, मसलन जो हम देखते हैं कि कभी हम रोड पे चलते हैं, कभी हम देखते हैं कि कुछ साइलिन हम देखते हैं, जैसे आप किसी जगह गाड़ी को पार्क कर दो कि वहां पे आते हैं, तो वहां पे अगर मांगने वाला आदि साइल हो और चिमट कर सवाल करने वाला हो, यानी वो तो मतलब गिरेबान तक वो जाते हैं, कभी गिरेबान में हाथ डालते हैं कि नहीं आप दे दो। कभी कभी जो ड्राइवर होता है, जो साइक होता है,
उसको भी नहीं छोड़ते हैं, वो गाड़ी के सामने आ जाते हैं, अगर उनको इंसान मसलन झिड़क दे तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे साइलों को भी इस आयत के रोशनी कुछ ना कुछ दे ही देते थे, मगर ये देना आपको सख्त नागवार होता था। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि आपने फरमाया मुझसे चिमट कर सवाल न किया करो, मुझसे चिमट कर सवाल न किया करो, जो शख्स भी तुम में से मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उससे कुछ ना कुछ दे देता हूँ, हालांकि मैं इसको मकरूह समझता हूँ, इस तरह इस चीज में बरकत नहीं रहती जो मैं इससे देता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल ज़कात में है। तो ऐसे साइलिन जो आदि साइलिन होते हैं, जो रास्ते में आप लोगों को मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं या बड़े बड़े, या इसी तरीके से औरतें आ जाती हैं गाड़ी के सामने बैठ जाती हैं कि गाड़ी को आगे जाने नहीं देती, तो उनको अगर इंसान झिड़क दे कि उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद रब्बी कायनात फरमाते हैं वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहज्जिस, और अपने रब की नियामतों को बयान करता है, अपने रब की नियामतों को बयान करता रहे, यानी अल्लाह ने तुझ पर जो एहसानात किए हैं, यानी अल्लाह ने जो तुझ पर एहसानात किए, मसलन हिदायत और रिसालत और नबूवत से नवाजा, यतीमी के बावजूद तेरी कफालत हुआ, सरपरस्ती का इंतजाम किया, तुझे कनाअत व तमंगरी अता की, मालदारी अता की, इन्हें जज्बात तशक्कुर हुआ ममनूनियत के साथ बयान करता रहा। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की इनामत का तज़किरा और उनका इजहार अल्लाह को पसंद है, लेकिन तकब्बुर और फख्र के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल करम और उसके एहसान से ज़ेर-ए-बार होते हुए, यानी आजिज होते हुए, उसकी कुदरत व ताकत से डरते हुए कि कहीं वो हमें इन नियामतों से महरूम न कर दें। तो तहदीस नियामत का मतलब है, कुछ नियामतों का जिक्र तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में कर दिया, इनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात थे, अल्लाह की नियामतों के जिक्र और इजहार का बेहतरीन तरीका यह है कि तही दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, और ये कतअन न समझा जाए कि मुझ में कोई खास अहलियत और काबिलियत थी जिसकी वजह से मुझ पर अल्लाह ने एहसान किया, बल्कि इन्हें महज अल्लाह के फजल और करम पर मामूल किया जाए, और नियामतों को उसी जज्बा के तहत दूसरे लोगों के सामने भी इकरार व एतराफ किया जाए, मगर इस एहतियात के साथ कि इस इकरार व एतराफ में फख्र व मुबाहत का शाइबा तक न, इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान को हमेशा रब का शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये मुख्तसर सी तफसीर जो है ऐसे सूरत दुहा की थी, जो मैंने आप लोगों के सामने वादा कर दी। अल्लाह ताला आप सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इंसान को, आप सभी तलबा हैं, आप सभी तालिबात हैं, आप भी तारीख का मुताला कीजिए, जो रसूलुल्लाह सब की तारीख है, जैसे सीरत नबविया है या इसी तरीके से अर्रहिकुल मक्तूम है, पढ़ लेना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, बल्कि इंसान को इल्म हो जाता है कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर बराबर आखिरी उम्र तक कैसे जिंदगी गुजारी है। तो हमें भी उसी जिंदगी को देखकर, उसी जिंदगी को हमें नमूना बनाकर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से हमकिनार करें, कामयाबी से नवाजें, और इसी तरीके से आप लोग जो है ऐसे ही जो है उलमा से और जो है किताबों से वाबस्ता रहें, जरूर इंशाल्लाह आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ इल्म की बातें जरूर आ जाएंगी, और आप भी इंशाल्लाह फिर मैदान अमल में लगातार काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों से भी इंशाल्लाह जरूर काम लेगा, जो हमारे अजीज भाई यहाँ पे हैं या इसी तरीके से जो हमारी यहाँ पे बहनें पढ़ती हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको भी सलामत रखें, आप सबको भी सलामत रखें, अल्लाह ताला आपको मजीद इल्म अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हादा मा इंदी व सल्लल्लाहु ताला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु।